प्यारे बच्चों, मैं मर्मट मैडम आज कक्षा छठी की नेक्स्ट संस्कृतम पाठ्यपुस्तक के प्रथम पाठ का अध्ययन कराऊंगी। प्रथम पाठ मतलब पहला पाठ, जिसका शीर्षक है स्वराहा। स्वरा मतलब स्वर। प्रिय छात्राः, प्रिय छात्रों, संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतम। संस्कृत कक्षा में सभी का स्वागत है। आगच्छन्तु, तो आओ। प्रथमे पाठे वर्णानां स्वराणां च विषये जानीमः। प्रथम पाठ में हम वर्णों और स्वरों के विषय में जानते हैं। भाषायां लघुतम घटक वर्ण भवति। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यथा, यथा मतलब जैसे, अ आ क ख। वर्ण प्रकार, टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो। पहला है स्वराहा, स्वर, जिन्हें कहते हैं वॉवेल्स। दूसरा है व्यंजनानी, तो व्यंजन, जिनको कहते हैं कंसोनेंट। स्वरा, स्वर, वॉवेल्स, इसमें अ आ ई ई उ, ऋषि बड़ा ऋषि, ल ए आई ओ औ, एते स्वराः सन्ति। ये सभी स्वर हैं। स्वरेण विना कस्यापि वर्णस्य उच्चारणम् न भवति। स्वर के बिना किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। परच्च एतेषां स्वर वर्णानाम् उच्चारणम् स्वतः भवति। किंतु इन स्वर वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है। स्वर वर्णाः द्विप्रकार का भवन्ति। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वराः। तो पहला है दीर्घ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ ई उ ऋषि और ल। दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ ए आई औ औ। प्रत्येकम स्वरस्य मात्रा अपि भवति। प्रत्येक स्वर की मात्रा भी होती है। अब देखो नीचे मात्राएं दी गई हैं, ऊपर लिखा हुआ है और नीचे मात्राएं लिखी गई हैं। आ की मात्रा छोटी की बड़ी की, छोटे उ की बड़े उ की, ऋषि की, ए की ऐ की, ओ की और औ की। संस्कृत भाषाया स्वराणाम संख्या त्रयोदश अस्ति। संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। तो आओ हम अब स्वरों के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अ, आ में आते हैं अजा और अश्व। अजा मतलब बकरी और अश्व मतलब घोड़ा। आ, अब आ में आते हैं आम्रम और आकाशः। आम्रम मतलब आम और आकाश मतलब आसमान। ई, ई में आता है इक्षुः और ईंधनम। इक्षुः मतलब आप जिसे गन्ना कहते हैं, हम जिसे दीपावली वगैरह पे भी तो लाते हैं ना ऐसे, तो इक्षु मतलब गन्ना। और ईंधनम, ईंधनम मतलब जब पुराने ज़माने में जिसे जलाने के लिए लकड़ी वगैरह का यूज़ करते थे, तो वो जलाने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ईंधनम। फिर ई, ई बड़ी ई में आएगा ईशः ईरीणम। ईशः मतलब होता है भगवान, ईश्वर। ईरीणम मतलब होता है कैक्टस। उष्ट्रा, उष्ट्रा मतलब होता है ऊंट। उपचारः, उपचार मतलब इलाज करना।
जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज करवाने जाते हैं तो उपचार उरुकम, उरुकम मतलब पैंट जिसको बोलते हैं ट्राउजर। उरुणम, उरुणम मतलब होता है ऊन। ऋषि, ऋषि जो तपस्या करते हैं वो ऋषि। ऋषभ, ऋषभ मतलब होता है बैल। और ए, ए में आते हैं एकम, संख्या वाला एक, गिनती। एड़ का, एड़ का मतलब होता है भेड़। एड़ का मतलब भेड़। आई, आई में आते हैं इंद्रजालिका, एरावत। इंद्रजालिका मतलब जादूगर और एरावत मतलब हाथी। औ, ओ, ओ में आता है ओदनम और ओष्ठ, तो ओदनम मतलब होता है चावल और ओष्ठ मतलब होता है होठ। औ, औ मतलब औषधम और ओर्णम, तो औषधम में दवाई, मेडिसिन जिसे कहते हैं। ओर्णम मतलब गर्म कपड़े, ऊपर का कोट जिसे कहते हैं। अब है अम, अम का है संस्कृत भाषायाम अम स्वरस्य प्रयोग अनुस्वार रूपा, अनुस्वार रूपेण भवति। संस्कृत में अम का प्रयोग अनुस्वार की तरह होता है। अस्व, अस्य प्रयोग सामान्यतः अंक, हिमांशु, संबंध इत्यादिषु पदेषु बिंदु रूपेण दृश्यते। इसका प्रयोग सामान्यतः अंक, हिमांशु, संबंध आदि में अ के ऊपर लगे बिंदु के रूप में देखा जाता है। अह, अह वर्णेन कस्यापि शब्दस्य पदस्य वा आरंभ न भवति। अह से कोई शब्द या पद प्रारंभ नहीं होता है। पदानाम, शब्दानाम वा मध्ये अन्ते च प्रयुक्ता विसर्ग एव एतस्य चिन्हं भवति। पद या शब्द के बीच या अंत में लगा विसर्ग इसका चिन्ह होता है। एव एतस्य चिन्हं भवति, इसका चिन्ह होता है। यथा, यथा मतलब जैसे। एग्जाम्पल, नरः बालकः दुःखम्। नरः मतलब आदमी, बालकः मतलब बालक, दुःखम् मतलब दुख। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा छठी के पहले पाठ का अध्ययन किया और उसको समझा। इस तरह से आज हमारा प्रथम पाठ पूर्ण होता है। इसकी, इस पाठ की बैक एक्सरसाइज आपको किताब में ही भरनी है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी।